ये कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कुछ प्रोडक्ट्स की जीएसटी को लेकर सफाई आ सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए कल क्या होगा एजेंडे में, किन वस्तुओं की जीएसटी को लेकर कुछ अपडेट्स आने की संभावना है? देखिए, कल जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक है और जो हमें जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों के हवाले से, कई इंपॉर्टेंट मसले हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और कुछ जीएसटी रेट से संबंधित सफाई भी आ सकती है, कुछ दरों में बदलाव भी किया जा सकता है। सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी वो दरअसल ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर जो GOM की रिपोर्ट थी उस पर जीएसटी काउंसिल कल चर्चा करेगी। ये रिपोर्ट ऑलरेडी काउंसिल को सौंप दी गई है और डाइवर्स व्यू के साथ ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें आम सहमति GOM के सदस्यों के बीच में नहीं बनी, लिहाजा काउंसिल में उसी तरीके से जिसे सिफारिश की गई है डिफरेंशियल GST रेट्स के मसले पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मसला है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हैं उस पर जो सेस है जो कि GST के ऊपर है, 28% GST और सेस जो 22% है, उसके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है इन गाड़ियों की वो निर्धारित की जा सकती है। उस पर सहमति बनाने के प्रयास होंगे ताकि किस कैटेगरी के गाड़ी पर जो है सेस 22% जो सेस है वो 28% से ऊपर लगाई जाए। साथ ही साथ अगर आप क्लैरिफिकेशन की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉटन, रॉ कॉटन है, उस पर अगर रॉ कॉटन की बिक्री कोऑपरेटिव्स को होती है तो उस पर 5% GST लगेगा। इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत GST के अंदर उस पर सफाई जारी की जा सकती है। साथ ही साथ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है GST एग्जेम्पशन से संबंधित प्रस्ताव है उस पर भी GST काउंसिल फैसला ले सकती है। ये प्रस्ताव पिछली बैठक में भी था। साथ ही साथ GST काउंसिल के जो अपैलेट ट्रिब्यूनल है यानी कि GST अपैलेट ट्रिब्यूनल उसकी गठन का फैसला पहले हो चुका है। नियमों से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और GST काउंसिल ऊपर अपनी मुहर लगाएगी। साथ ही साथ अनफ्राइड स्नैक्स के ऊपर इस वक्त 18% GST है, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। कुछ कैंसर के ड्रग्स हैं उस पर 12% जो IGST है उसमें छूट की घोषणा जो है GST काउंसिल कर सकती है। साथ ही साथ एक और क्लैरिफिकेशन है, वो दरअसल सिनेमा हॉल में अगर आप फूड और बेवरेजेस खरीदते हैं कुछ मल्टीप्लेक्सेस जो है उस पर 18% GST चार्ज कर रहे हैं लेकिन उस पर 5% ही GST लगेगा जैसा कि आम केस में होता है, उससे संबंधित क्लैरिफिकेशन GST काउंसिल जो है वो जारी कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट एजेंडे जो है कल GST काउंसिल के सामने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो